नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल, और आपको ले चलते हैं पानीपत से अनीश कौशिक के साथ समालखा रैली में, जहां पर कांग्रेस ने रैली की है। समालखा रैली में भाजपा को एक मुनाफाखोर कंपनी बताया सुरजेवाला ने। कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरु और चेला हैं, भाजपा ने झूठ बोल करके सत्ता हथियाई है। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब उसके विपरीत हो रहा है। सबका साथ और सबका विनाश होता नजर आ रहा है। नेता आम जन के मुद्दों की बजाय नेतागण सुरजेवाला की करते रहे तारीफ। रैली स्थल पर निजी स्कूलों की बसें ज्यादा देखने को मिली। मोटरसाइकिलों पर युवा रैली स्थल पर स्टंटबाजी करते और हुड़दंग करते नजर आए। कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्य एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी व खट्टर सरकार से सत्ता छीनने की शुरुआत पानीपत की धरती से हुई है। दिल्ली व चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छुट्टी का समय आ गया है। उन्होंने मोदी सरकार को मुनाफा खोर कंपनी कहते हुए कहा कि लोगों ने केंद्र व प्रदेश में भाजपा सरकार को बदलने का आह्वान किया है। सुरजेवाला रविवार को नई अनाज मंडी में कांग्रेस पार्टी की रैली को संबोधित कर रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 4 साल में पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ते हुए 11 लाख करोड़ की लूट की है, तो प्रदेश में खट्टर सरकार ने 18,000 करोड़ की लूट का काम किया है। डीजल पर 212% तथा पेट्रोल पर 413% टैक्स की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने की है। गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि और आह्वान किया कि वे किसी भी न्यूट्रल आजाद उम्मीदवार को ना जिताएं जो हल्के का विकास भी न कर पाए। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सबका साथ की जगह देश प्रदेश का विनाश और भाजपा का विकास स्वयं करती नजर आ रही है। भाजपा का काम लड़वाना जलाना और भाईचारों को तोड़वाने का है। किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर मोदी सरकार किसानों की विरोधी है और 4 साल बीत जाने के बावजूद भी उनका कुछ नहीं कर सकी। पहले केंद्र व प्रदेश में किसान हितैषी कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हरियाणा में पहला शुगर मिल का पत्थर पानीपत में लगेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यूरिया का रेट बढ़ा दिया है, लेकिन वहीं उसका वजन कम करके किसानों को ठगने का काम किया है। मोदी ने किसान बीमा योजना को प्राइवेट बीमा योजना बनाकर रख दिया है। भाजपा ने उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है, लेकिन गरीब तबके का के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो 3 किस्तों में 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। रैली से बाहर ज्यादातर हल्के में कम पहुंचे लोग। नई अनाज मंडी में हुई कांग्रेस में बदलाव रैली को लेकर के हल्के के लोग का ज़्यादा रुझान देखने को नहीं मिला। रैली में हल्के से कम लेकिन आसपास के दूसरे हल्के से तथा जिलों से लोग पहुंच रहे थे। रैली में सुरजेवाला का गुणगान करते दिखाई दिए नेता। रैली में पानीपत जिले सहित आसपास के विभिन्न जिलों से पहुंचे विधानसभा टिकटार्थी नेताओं ने और उनकी मौजूदगी मंच पर ज़्यादा रही। जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय वे सभी सुरजेवाला का गुणगान करते नजर आए। इसमें अधिकांश ने तो रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री तक बता दिया। वहीं युवा हुड़दंगबाजी करते नजर आए और बाइक पर बैठे हुए स्टंट कर रहे थे। आप देख रहे हैं समालखा से पलपल की एक खास रिपोर्ट। तो ये जनता आती है, दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों से भाजपा की छुट्टी करने का समय आ गया। आवश्यकता सरकारें क्यों बनाई जाती,
₹74.17 ₹55.49 से बढ़कर हो गया ₹74.17 बावन महीनों में 18.70 रुपया मोदी सरकार ने डीजल पर बढ़ाए। पेट्रोल का क्या हाल था 16 मई 2014 को जब कांग्रेस की सरकार गई? पेट्रोल का भाव था ₹71, आ गए ₹81.75, ₹10.75 यानी ₹11.25 पेट्रोल के भाव के अंदर बढ़ा दिए। जो मोदी जी ने किया वो तो किया, जब कांग्रेस की सरकार गई तो $108 प्रति बैरल कच्चा तेल था, लोगों आज $68 प्रति कच्चा तेल है प्रति बैरल। औसत मोदी की सरकार में $50 रहा, परंतु कीमतों के अंदर 50%, 40%, 30% का इजाफा कर दिया। और यहां बात खत्म नहीं हुई, 212% कान खोलकर सुनिए बड़ी सुनने वाली बात, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल पर 212% टैक्स और डीजल पर 443% टैक्स अतिरिक्त लगाया पावन महीने के अंदर एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से। बात यहां भी खत्म नहीं हुई, गुरु तो गुरु जेला उसका भी समाज से निकला। आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब 10 साल कांग्रेस की सरकार की हमने 18% टैक्स भी नहीं बढ़ाया डीजल और पेट्रोल पे, जिस दिन खट्टर साहब आए 9.25% डीजल के ऊपर वैट था हरियाणा में, पत्रकार साथी गवाह है आज 17.5% वैट है, 9.25% से बढ़ाकर 17.5% डीजल के ऊपर, 21% से बढ़ाकर 26% पेट्रोल के ऊपर 18,000 करोड़ रुपया, 11,00,000 करोड़ रुपया गुरु ने लूट लिया, 18,000 करोड़ रुपया चेले ने लूट लिया, किसकी जेब से निकाला? सवार का हरियाणा पानीपत के किसान की जेब से निकाला, गरीब ट्रैक्टर चलाने वाले मजदूर की जेब से निकाला, डीजल का इंजन से पानी निकालने वाले धरती का सीना चीर कर उस किसान की जेब से निकाला, सब्जी लेकर जाने वाले, मसाले लेकर जाने वाले, छोटे छोटे ऑटो रिक्शा, छोटे छोटे फोर व्हीलर, छोटे छोटे ट्रक से निकाला, हमारी बसों में यातायात करने वाले, रेल में यातायात करने वाले, आप जनमानस की जेब के अंदर से निकाला। ये लूट खट्टर और मोदी सरकारों ने की। ₹340 मोदी ने बढ़ाए और उसके अंदर ₹50 खट्टर साहब ने जोड़ दिए, ₹390 आपके सिलेंडर के बाद पावन महीने के अंदर इस सरकार ने बढ़ाए। बगैर सब्सिडी वाला सिलेंडर ₹100 सब्सिडी वाले सिलेंडर के अंदर बढ़ाए, ₹70,000-80,000 करोड़ की अतिरिक्त लूट केवल गैस के सिलेंडर बढ़ा के की, 12,00,000 करोड़ की लूट ये हो गई, 11,00,000 करोड़ पेट्रोल और डीजल के, 1,00,000 करोड़ अकेले गैस की सब्सिडी के, गैस के ऊपर टैक्स लगाकर कठुरिया साहब 1,00,000 करोड़ और उसके अंदर से लूटे गए। इस 12,00,000 करोड़ की लूट का जवाब वापस मांगने का समय आया है, इसीलिए संजय
भी दूर। मोदी जी ने कहा था कुरुक्षेत्र की भूमि पर श्रीमद् भगवत गीता की कसम उठाकर, एक बार मुझे सत्ता दो मैं किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा। सरकार